नमस्ते फ्रेंड्स, टीडीएस से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194M के बारे में। इस सेक्शन 194M के अंतर्गत इंडिविजुअल और HUF टैक्स पेयर्स द्वारा कुछ पेमेंट्स के ऊपर TDS काटना होता है, तो इसी के विषय में यह इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इस सेक्शन 194M के अंतर्गत प्रत्येक इंडिविजुअल और HUF टैक्स पेयर्स जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194C, सेक्शन 194H और सेक्शन 194J के अंतर्गत TDS काटना आवश्यक नहीं होता है, ऐसे इंडिविजुअल और HUF यदि किसी कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन एजेंट, ब्रोकर और प्रोफेशनल को पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट से इस सेक्शन 194M के अंतर्गत TDS काटना होता है, उसके बाद ही पेमेंट करना होता है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत ऐसे इंडिविजुअल और HUF टैक्स पेयर्स जिन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करवाना होता है या वो किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करते हैं, और यदि वो इंडिविजुअल और HUF टैक्स पेयर्स कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन एजेंट और ब्रोकर को जो पेमेंट करते हैं वो उन्होंने पर्सनल यूज के लिए किया है तो भी इस सेक्शन के अंतर्गत उन्हें TDS काटना होगा। इस सेक्शन के अंतर्गत TDS का डिडक्शन करने के लिए और TDS के चालान भरने के लिए टैन नंबर का होना आवश्यक नहीं है। TDS का डिडक्शन और TDS की चालान का पेमेंट पैन नंबर से किया जाएगा। यहाँ डिडक्टर और डिडक्टी दोनों का पैन नंबर होना आवश्यक है, पैन नंबर से ही सारा कंप्लायंस किया जाएगा। इस सेक्शन के अंतर्गत इंडिविजुअल और HUF यदि किसी रेसिडेंट व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन, ब्रोकरेज या प्रोफेशनल फीस के लिए पेमेंट करता है तो उसमें से उन्हें TDS काटना होता है। यदि साल भर में उन्हें 50 लाख रुपए से ज़्यादा पेमेंट किया जाता है तो उसमें से TDS इस सेक्शन के अंतर्गत किया जाएगा। यदि 50 लाख से कम पेमेंट किया जाता है तो TDS काटने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के दौरान यदि 50 लाख से ज़्यादा किसी एक व्यक्ति को पेमेंट किया जाता है तो उसमें से TDS काटना होगा। इस सेक्शन के अंतर्गत जो TDS का रेट होगा वो रेट होगा 5%, और ये जो 5% का रेट है इसे 1 अक्टूबर 2024 से कम कर दिया गया है। अब 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो पेमेंट किया जाएगा उसमें से 2% के रेट से TDS काटना होगा, और यदि डिडक्टी का पैन नंबर अवेलेबल नहीं होगा तो ऐसे में 20% के रेट से TDS इस सेक्शन के अंतर्गत काटना होगा। इस सेक्शन के अंतर्गत TDS काटने के बाद उसकी चालान भी भरनी होती है और उसका स्टेटमेंट भी फाइल करना होता है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत फॉर्म नंबर 26QD में चालान भरनी होती है, जो कि एक चालान कम स्टेटमेंट फॉर्म है। जैसे ही डिडक्टर चालान का पेमेंट करेगा उसका स्टेटमेंट भी फाइल होगा, और ये काम उसे जिस महीने में उसने TDS काटा है उस महीने के पूरा होने के बाद 30 दिनों के अंदर करना है। इसका मतलब यदि किसी व्यक्ति ने अप्रैल महीने में TDS काटा है तो अगले महीने में मतलब 30 मई के पहले उसे इस चालान को भर लेना होगा और अपना कंप्लायंस पूरा करना होगा। और TDS काटने के बाद और TDS के चालान भरने के बाद डिडक्टी को TDS सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा। तो यहाँ फॉर्म नंबर 16D में TDS सर्टिफिकेट इशू करना होगा। TDS के चालान भरने की जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट के निकल जाने के बाद 15 दिनों के अंदर फॉर्म 16D में TDS सर्टिफिकेट डिडक्टर डिडक्टी को जारी करेगा। तो ये थी जानकारी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194M के बारे में। इस सेक्शन के अंतर्गत प्रत्येक इंडिविजुअल और HUF को जो कि सेक्शन 194C, सेक्शन 194H और सेक्शन 194J के अंतर्गत TDS काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उन्हें इस सेक्शन के अंतर्गत TDS काटना होता है और उसके बाद पेमेंट करना होता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।